हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी ब्यूटी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों पर हम काफी ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कई बार हम ब्यूटी से रिलेटेड काफी चीजों की गलत फहमियां भी मन में पाल लेते हैं। आइए जानते हैं उन सारी गलत फहमियों के बारे में आज, जो आपके सौंदर्य से जुड़ी हुई है। गलत फहमी नंबर एक है, बालों को जरूरत से ज्यादा धोना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बालों को बहुत ज्यादा धोते हैं तो उसकी वजह से बाल शानदार तरीके से साफ हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बालों को बहुत ज्यादा वॉश करते हैं तो बालों का नेचुरल मॉइस्चर गायब हो जाता है और उसकी वजह से बाल काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए हफ्ते में केवल एक से दो बार ही अपने सर को वॉश करें। गलत फहमी नंबर दो है, बहुत ज्यादा कंडीशनर का प्रयोग करना। अगर आप अपने बालों को वॉश करते समय कंडीशनर का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने पूरे बालों में कंडीशनर लगाना चाहिए। कई लोग केवल अपने बालों पर ही कंडीशनर लगाते हैं, स्कैल्प पर नहीं, क्योंकि उनका मानना होता है कि स्कैल्प वैसे ही हेल्दी है, उसे कंडीशनर की जरूरत नहीं है। गलत फहमी नंबर तीन है, हीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना। जी हाँ, आपने सही सुना, बालों को बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन बिल्कुल भी हीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना भी गलत बात है, क्योंकि जब भी हम अपने बालों को हीट प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइंड करते हैं तो हमारे बालों को भाप मिलती है, गर्माहट मिलती है और नमी भी मिलती है। इसीलिए कभी कभार आपको बालों के लिए हीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सो दोस्तों, ये है वो गलत फहमी जो अक्सर महिलाओं को हो जाती है सौंदर्य से जुड़ी हुई। इन सारी गलत फहमियों को अपने आप से दूर करें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।